का दूसरा कदीम तरीन गाँव है। ये गाँव तकरीबन 1000 साल 1100 साल पुराना गाँव है। अब जा रहे हैं इनकी जो ओल्ड विलेज है वो विजिट करने। नहीं मुझे नहीं आते चक्कर। बहुत प्यारा है। बिल्कुल सासी जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे, अनदर व्लॉग, अनदर यूट्यूब वीडियो। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और व्लॉग स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, बेल आइकन को दबा दें। आज का जो व्लॉग है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हुंजा के अताबाद लेक से। हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हमने चलानी है जेट स्की यहाँ पे। ये देखना ऐसे। चलो कौन सी वाली पे बैठो थी? नॉर्मल, इसमें स्पीड पे होता है। टाइम चेंज हो गया है, हम लोग जा रहे हैं इस वाली बोट में बैठने क्योंकि जेट स्की मैंने 2-3 दफ़ा कर ली है, अहमदाबाद पे भी कर ली, यहाँ पे भी कर ली है, और बोट में मैं कभी भी आई हूँ तो नहीं चढ़ी, तो अब हम बोट का एक्सपीरियंस लेंगे। सर्दी है और मेरे हाथ बिल्कुल सुन्न हो रहे हैं, ब्लॉगिंग पूरी नहीं जा रही मुझसे। अब लोग अब मैं चाह रही हूँ अब ये राइड खत्म हो जाए, मैं जल्दी से उतरूँ। बाय द वे मज़ा तो फिर भी आ रहा है बहुत। अताबाद लेक से होकर हम लोग जा रहे हैं खुंजरा पास की तरफ, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट स्टे किया है इसलिए सिर्फ इस व्यू के लिए। ये पूरा रूट है हमारा। कितना तो हसीन। हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉप किया है, यहाँ पे है पासीपोम्स, लेकिन क्लाउड्स की वजह से पूरे ढके हुए हैं, वरना ये भी बहुत ही क्रेजी किस्म का व्यू होता है। क्लास ही अपनी होती है इसकी, लेकिन आज सही से नज़र नहीं आ रहे, यही सिर्फ नज़र आ रहा है, वरना पूरे यहाँ पे माउंटेन की जो लुक है ना बिल्कुल कॉन्स की तरह है, तो क्लाउड्स की वजह से वो नज़र ही नहीं आ रहा सही से। इस तरफ है पासी ग्लेशियर। हम लोग जा रहे थे खुंजरा पास, लेकिन खुंजरा पास का रास्ता जो है ब्लॉक है, बीच में कोई स्ट्राइक वगैरह चल रही है, तो कुछ पता नहीं है कितने बजे खुलेगा, क्या है, खुलेगा भी कि नहीं खुलेगा। स्टॉप किया है ग्लेशियर बरीज कैफे पे। इसकी स्पेशलिटी है कि इनका एप्रिकॉट केक बहुत फेमस है और एप्रिकॉट कढ़ाई, जिसमें से हमने केक तो ऑर्डर कर लिया है और जिंगर वगैरह और चाय वगैरह। हम जो रेस्टोरेंट है ये है गोजाल वैली में पशु कॉन्स के सामने ही, ये रहा ऊपर ही आकर एक छोटा सा कैफे बना हुआ है, तो यहाँ पे हमने ब्रंच कर लिया है और अब चलते हैं अपने रूम पे, होटल पे। तो केक था, केक तो मुझे बहुत पसंद आया, केक तो बहुत ही यम्मी था, अगर आप जब भी आए तो जरूर ट्राई कीजिएगा। लोग आए हैं बोरेथ लेक पे। इसकी स्पेसिफिकेशन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे आसपास ना कोई ग्लेशियर है, ये पानी कहाँ से आता है, और यहाँ पे है बोरेथ विलेज, तो इसका नाम भी उस हिसाब से बोरेथ लेक है। यहाँ पे अभी इन लोगों ने एक्टिविटीज़ भी रखी हैं, यहाँ पे बोटिंग हो रही है, यहाँ से आप लोग आते हो नीचे। हमें तो यहाँ पे सुकून आ रहा है, ना लोग है ना कुछ है, तो ना बंदा ना बंदे की ज़ात, सिर्फ हम ही हैं आपस में, सारे उस तरफ गए हुए हैं, तो हम तो यहीं पर ही सुकून ले रहे हैं। ना शोर है, इतना सन्नाटा है,
को बोलते हैं लेडी फिंगर। ये एक अलग से कोना निकला हुआ है। लोग आए हैं अल्टेड फोर्ट घूमने और आप लोगों को भी घुमाने। किस लेके फिर होंगे एंटर? मैडम साहबा कहाँ जा रही हैं आप? टिकट लिया आपने? विदाउट टिकट चली जा रही हैं। अब इसको सर्दी लग रही है। सर्दी में जाते हैं तो उसको गर्मी लगती है, गर्मी में जाते हैं तो उसको सर्दी लगती है। यहाँ पे टेम्परेचर सही है, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है। वो कहाँ चले थे हम? क्या लेक था, नाम क्या था? अत्ताबाद लेक। अत्ताबाद लेक पे आज तो बहुत सर्दी थी, बहुत। यहाँ पे जो सनलाइट आ रही है ना, धीमी धीमी, इतनी प्यारी। दिखाती हूँ आप लोगों को, अभी देखना आप लोग। हाय, ये वाली। चलें जी, हमारी टिकट आ चुकी हैं और अभी हम चलते हैं अंदर फोर्ट में, सरीना अल्टेड फोर्ट। लेट्स गो। आ जाओ, फोर्ट ऊपर है, फोर्ट ऊपर है, इस तरफ चलें जी। आप आ जाओ, नीचे खड़े हैं हम पार्किंग में। दो मीटिंग के साथ वेट करें, गाड़ी आएगा आपको लेके जाएंगे। ठीक है, ठीक। Okay. यहाँ पे अभी हम वेट करेंगे और गार्ड आएगा, फिर हमें अंदर लेकर जाएगा। चलिए जी, ये है एंट्रेंस फोर्ट की। ये है अंदर से फोर्ट। तो मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। इस वक्त वादी हुंजा का दूसरा कदीम तरीन गाँव अलखीत में है। इस गांव का नाम है अलखीत, जो कोकुंजा का दूसरा कदीम तरीन गांव है। ये जो अलखीत फोर्ट, ये फोर्ट हमारे गांव को बुजुर्गों और मुख्तलिफ मुआरखीन के कहने के मुताबिक 900 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन लेबॉरेटरी टेस्ट के मुताबिक, साइंटिफिक टेस्ट के मुताबिक 1100 साल पुराना फोर्ट है। कुंजा का एक्चुअल एक्सेंट, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन, ओरिजिनल नाम कुंजो है। अंग्रेजों ने जब इस इलाके को कांकर किया, ऑक्यूपाइड किया, तो उन्होंने कुंजो को चेंज करके कुंजा कर दिया। ज़माने क़दीम से यहाँ पर दो मेजर फोर्ट हुआ करते थे, एक अल्टीट फोर्ट और बाल्टीट फोर्ट। छोटा भाई को अपनी आंगर राधा पे जो पनिशमेंट, इसके अंदर जिंदा चुनवाया गया था, जिंदा गाड़ दिया था। उन लोगों ने स्कैन किया और आज तक मतलब इसका रिकॉर्ड मिला है कि उस प्रिंस का स्केलेटन आज तक इसके अंदर मौजूद है। इसको बोलते हैं खड़ी कब्र। ये तो देखें, मैं तो चक्कर आ रही, नीचे ना देखना, मेरे नीचे ना देखना। नहीं, मुझे नहीं आते चक्कर। बहुत प्यारा है, बिल्कुल सासी। अच्छा, यहाँ पे ये है दरिया हुंजा, आगे जाके ये इंडस रिवर में तब्दील हो जाता है, जिसको हम दरिया सिंध भी बोलते हैं। This is not a hanger for cloth. ये कोई कपड़े टांगने के लिए हैंगर नहीं है। इसको संडाइल, संडाइल नहीं, सन क्लॉक, वॉल क्लॉक, एंशंट वॉच, उस जमाने का धूप घड़ी है। ओके, जबकि सुबह सूरज मशीन से तुरु होता, जिस जिस लाइट टुवर्ड्स द वेस्ट मारे की तरफ मूव करेगा, तो बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट यहाँ पर शेडो बनता था। तो जाहिर है, जब लाइट मूव करेगा टुवर्ड्स द वेस्ट, तो लाइट के मूव के साथ सिटी की शेडो भी मूव करता था। फिर शेडो के सराउंडिंग में ग्राफ बना के, फार्मूला लगा के, नंबर्स लगा के अपना टाइम और सीजन एंड चेंजेस का तायुन क्या करते थे। इस काम का नाम अल्टीट और उसका नाम बल्टीट, ये बहुत क्वाइट सेंस। और ये हुंजा का, देखिए प्लीज, का दूसरा कदीम तरीन गाँव है। ये गाँव तकरीबन 1000 साल, 1100 साल पुराना गाँव है। इस गाँव को
आगा खान फाउंडेशन ने फ्यूचर जनरेशन के लिए एज अ मोनूमेंट एज अ मॉडल वाले इसको प्रजर्व करे एज इट इज। अभी हम लोग चाह रहे हैं इनकी जो ओल्ड विलेज है वो विजिट करें। ये पूरी विलेज का व्यू है। इधर चलिए अंदर देखते हैं क्या है। लेट्स सी। ऐसे ना हम गुम हो जाए। तभी कह रही हूँ ये गांव है। नहीं ज्यादा आगे नहीं चलते, थोड़ा सा देखते हैं। ये पूरा गांव है वही ओल्ड वाला। यहाँ पे कोई टूरिस्ट स्टे कर रहे हैं ना। काफी लोगों के घर भी हैं। हाँ घर भी हैं और कुछ इन लोगों ने मतलब बना के इसको टूरिस्ट के लिए भी रखा हुआ है कि किसी को अगर ओल्ड विलेज का मजा लेना है तो यहाँ पे ले सकते हैं। छत है विलेज के साथ। इसी व्लॉग को हम करते हैं यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ये ट्रिप खास मैंने आप लोगों की वजह से की थी तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है।